हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू ऑन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड स्पीच डेवलपमेंट क्या होता है, उसके रिलेटेड मैंने आपको स्पीच के और लैंग्वेज के स्टेजेस को बताया था, उसके डेफिनेशन को बताया था। इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू से आप अपना जो आंसर है बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। आप अपने एग्जाम में अगर कोई लॉन्ग आंसर लिखेंगे तो उसको लिखने के लिए आपको कम से कम 4 से 5 पेज तो लिखना ही होगा, एनी हाउ 4 पेज तो आपको लिखना ही होगा। उस 4 पेज के लिए और भी एलिमेंट मैं अगर आपको इंक्लूड करा देता हूं तो बहुत इफेक्टिव होगा। और उससे बड़ी बात यह है कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये आपके कंपटीशन में यानी कि बीटेट सीटेट जितने भी होते हैं कंपटीशन टेट, उन सब में बहुत ज्यादा रिपीटेशन होती है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है सब क्वेश्चन, इसीलिए इनको बस याद रख लेना जरूरी है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज जो है हमारा जो क्या कहते हैं कि टॉपिक होगा यह है स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम लोग समझेंगे किस तरीके से होता है ये, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अफेक्शन पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग किस तरीके से होगा इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्पीच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि स्पीच के जो फॉर्म्स होते हैं वो कौन कौन से फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कंपलसरी है पढ़ना और उसको याद रखना भी कंपलसरी है। देखिए, पहला जो होता है इसका स्पीच फॉर्म का पहला जो ये होता है, ये होता है आपका कंप्रिहेंशन यानी कि आकलन शक्ति। कंप्रिहेंशन का मतलब यह होता है कि बच्चा जो है किसी चीज को बोलने से पहले समझ रहा होता है। कहने का मतलब है कि बच्चा जो है यहां पर कोई भी चीज देख रहा है, कोई भी चीज सुन रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कंप्रिहेंस कर रहा है, यानी कि आकलन की शक्ति कर रहा है वो। तो कहने का मतलब है कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है, बोलने से पहले कंप्रिहेंशन करता है कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या जेस्चर है, ये सारी चीजें। तो क्या समझ में आया कि बोलने से पहले कंप्रिहेंशन करता है बच्चा। उसके बाद होता है आपका प्रोनंसिएशन के बारे में ये कहा जाता है कि अगर 6 महीने का बच्चा है तो वो कुछ चीजें अपने मुंह से बोल तो सकता है, आवाज तो निकाल सकता है, लेकिन उसका जो क्या कहते हैं कि आपके मीनिंग होता है वो मीनिंगफुल नहीं होता है। वही चीज 1 ईयर यानी कि 1 साल में जो बच्चा बोलता है कुछ वर्ड मीनिंगफुल बोलना शुरू कर देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा जो है मीनिंगफुल एक आध वर्ड जो है कितने मंथ में बोलना शुरू कर देता है, तो 1 साल में बच्चा मीनिंगफुल वर्ड बोलना शुरू कर देता है, उच्चारण करना शुरू कर देता है। उसके बाद होता है आपका बिल्डिंग आ वोकैबुलरी यानी कि शब्द भंडार का निर्माण। शब्द भंडार का निर्माण देखिए किस तरीके से होता है, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से आप चीजें याद रख ले जिस तरीके से है वो बहुत इजी है। देखिए, ये कहा जाता है शब्द भंडार के बारे में कि 18 मंथ में जो है ना बच्चा कितने वर्ड बोल सकता है, 18 मंथ में बच्चा जो है 10 वर्ड्स आसानी से बोल सकता है, 10 वर्ड बहुत इजीली तरीके से बच्चा बोल सकता है 18 मंथ में। वही चीज अगर 2 साल में देखेंगे तो 272 वर्ड्स यानी कि 272 वर्ड्स की वोकैबुलरी शब्द भंडार उस बच्चे के अंदर में आ जाता है। उसके बाद देखेंगे अगर 2.5 ईयर यानी कि 2.5 साल में हम देखें तो 450 वर्ड्स की वोकैबुलरी वो बच्चा बोल सकता है। उसी तरीके से अगर हम देखें 3 ईयर में 1000 की वोकैबुलरी उस बच्चे के अंदर में आ जाती है 3 साल में। उसके बाद 3.5 की बात करें, अगर 3.5 की बात करें तो वो क्या कहते हैं 1250 वर्ड्स बहुत आसानी से बोल सकता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें 4 साल में तो 1600 वर्ड बोल सकता है, अगर 5 ईयर में बात करें तो 2100 वर्ड्स वो बहुत आसानी से बोल सकता है, और यहां पर छोटे छोटे सेंटेंस यानी कि शॉर्ट सेंटेंस भी फॉर्मेट कर सकता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि ये जो वोकैबुलरी जो थे, ये जो बिल्डिंग ऑफ वोकैबुलरी हमने पढ़ा अभी कि किस तरीके से किस एज में क्या कहते हैं कितने वर्ड बोल सकता है, ये पूछा जाता है ना। तो उसके अलावा जो होता है, ये जो आपका वोकैबुलरी होता है, वोकैबुलरी को 2 भागों में बांटा गया, टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका जनरल वोकैबुलरी, है ना। इसमें जनरल वोकैबुलरी जो होता है, जनरल वोकैबुलरी का मतलब होता है कि बच्चा जो है जब किसी चीज को लेने के लिए क्या करता है, जनरली कोई चीज मांगता है, जैसे कि बच्चा जो सीखता है दे दो करके, है ना, दे दो आ जाओ करके सीखता है। तो नॉर्मली अपनी जनरल चीजों को, सामान्य चीजों को जब वो कंप्लीट करने के लिए, आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जब वो क्या कहते हैं कि वर्ड्स यूज करता है, यानी कि बहुत ज्यादा करता है, जैसे कि दे दो मम्मी इस तरीके से जो जनरल वर्ड है वो जब यूज करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल वोकैबुलरी। और एक चीज याद रखना, देखिए बच्चा जो किसी चीज को जब भी सीखता है ना, किस तरीके से सीखता है, पहले नाउन सीखता है, जैसे कि मम्मी पापा इस तरह से कहना, उसके बाद वर्ड क्या कहते हैं वर्ब सीखता है, वर्ब किस तरीके से सीखता है, यानी कि दे दो, ले लो, आ जाओ, इस तरीके से वर्ड वो पहले सीखता है। उसके बाद में जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, ना एडवर्ब है, इस तरीके से फिर बाद में वो सीखना शुरू करता है। जैसे कि भाषा के क्या कहते हैं पेपर में जब मैंने पढ़ाया है कि कोई भी बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है,
एक फॉर्मेट में सीखता है, एक सिस्टमेटिक वे में सीखता है। सबसे पहले क्या सीखेगा, सबसे पहले वो लिसनिंग सीखता है, उसके बाद में क्या सीखता है, स्पीकिंग सीखता है, उसके बाद में क्या सीखता है, वो रीडिंग सीखता है, और लास्ट में राइटिंग सीखता है। इसी तरीके से बच्चा सबसे पहले क्या है, इन्फेंसी एज में जो बच्चा होता है वो सबसे पहले क्या करता है, आपके नाउन को जानता है, यानी कि पापा मम्मी इस तरीके से, फिर वर्ब को, फिर क्या कहते हैं कि एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, इस तरीके से आगे बढ़ता है। और स्पेशल वोकैबुलरी दूसरा जो पॉइंट होता है, स्पेशल वोकैबुलरी होता है। स्पेशल वोकैबुलरी का मतलब यह होता है कि बच्चा कुछ चीजों को अपने स्पेशलाइजेशन यानी कि जो विशिष्ट चीजें हैं उसके वक्त में जब बच्चा उस चीज को उच्चारण कर लेता है, उसको बोल लेता है, उसको स्पेशल बोलते हैं। सपोज दैट बच्चे की जो इच्छा है इंटरनली, जैसे कि कुछ बच्चों की होती है ना कि बाहर में किसी बच्चे को देखा, उसने कि किसी ने नया कपड़ा पहना हुआ है, उसके दोस्तों ने नया कपड़ा पहना है, वो फट से आता है और वो बहुत अच्छे से बोलता है कि मम्मी मेरे को भी सजा दो ना, है ना, मम्मी मेरे को भी क्या कहते हैं कि उसके तरह से दिखना है। तो जब स्पेशल वर्क को, स्पेशल चीजों को जो कि उसने अंदर से सीखा है, उसको जब वो उच्चारण करना सीख जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल वोकैबुलरी। और ये कब तक, कब से शुरू होता है, ये 3 साल से शुरू होता है। जो स्पेशल वोकैबुलरी होता है 3 साल तक, 3 साल से होता है, और ये जो जनरल वोकैबुलरी होता है ये कम से कम 2.5 साल तक चलता है। 2.5 साल के बाद में कौन सी स्पेशल वोकैबुलरी शुरू हो जाती है, आई होप कि समझ में आया होगा। और भी उसके अलावा जो है आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कलर वोकैबुलरी कब शुरू होता है, नंबर वोकैबुलरी कब शुरू होता है। देखिए इसको एज के हिसाब से आप याद रख लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए पहला होता है, उसके बाद होता है आपका कलर वोकैबुलरी। कलर वोकैबुलरी जो होता है, बच्चा 4 साल में बहुत आसानी से सारे कलर को गिना सकता है, लाल, पीला, नीला, हरा, वो आसानी से गिना सकता है। उसके बाद अगर देखेंगे नंबर वोकैबुलरी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से जो नंबर वोकैबुलरी होता है वो 5 साल में आसानी से नंबर वोकैबुलरी को समझ सकता है, पढ़ सकता है। उसके बाद होता है टाइम वोकैबुलरी। टाइम वोकैबुलरी जो है 6 साल में बहुत अच्छे से बच्चा जो है गिना सकता है। टाइम वोकैबुलरी में सब आता है, जैसे कि 12 बज गए, 13 बज गए, 1 बज गया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं कि कैलेंडर की चीजें, 2 तारीख 4 तारीख, पहला महीना, ऐसी चीजें जो है बच्चा 6 साल में आसानी से बताना शुरू कर देता है। उसके बाद में जो है उसका मनी वोकैबुलरी, मनी वोकैबुलरी 7 साल में बच्चा समझ जाता है कि सपोज दैट के इससे पहले जो बच्चा होता है 6 साल का या 5 साल या 4 साल की बात करें तो यहां पर बच्चे को जितने में कुरकुरे मिलता है ना, जैसे कि 10 रुपए कुरकुरे मिलता है, आप उसको 100 दोगे तो वो नहीं लेगा, वो कहेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे वही 10 रुपए का नोट वो पहचान रहा होता है। लेकिन यहां पर आकर के 7वें साल में आकर के मनी वोकैबुलरी उसका बढ़ जाता है, यानी कि वो आप समझ रहा होता है कि ये 100 का क्या कहते हैं कि 100 रुपए का नोट है ये, तो मेरा जो 10 वो आ जाएगा, तो ये वो समझ रहा होता है यहां पर आकर के। उसके बाद होता है आपका स्लैंग वोकैबुलरी। स्लैंग वोकैबुलरी क्या होता है, स्लैंग वोकैबुलरी का मतलब होता है कि आप यहां पर जो है ना, ये होता है आपका 8 साल का, यहां पर बच्चा जो है गाली गलौज करना शुरू कर देता है। गाली गलौज का मतलब है जो भी कोई गाली सुनेगा, जो भी कोई फनी वर्ड सुनेगा, जो भी कुछ चीजें इस तरीके से बाहर से देख करके आएगा, वो जो है गाली गलौज में बातें करना शुरू कर देता है 8 साल में। ये चीजें बहुत देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा एक वर्ड होता है एटिकेट। एटिकेट का मतलब होता है कि क्या कहते हैं कि किसी को, किसी का स्वागत करना, है ना, किसी को वेलकम बोलना। तो ये जो है ना, यहां पर 8 साल में ये भी एटिकेट भी 8 साल के ही विशेषता है। तो एटिकेट में क्या होता है कि एटिकेट में ये होता है कि बच्चा जो है किसी चीज को बहुत ज्यादा उच्चारण करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे श्री राम आइए ना, है ना, आपका आओ भगत है, आपका खैर मकदम है, ये ऐसे ऐसे जो स्पेशल वर्ड होता है, जैसे कि वेलकम, आपका वेलकम है, है ना, तो गुड मॉर्निंग, है ना, गुड इवनिंग, ऐसे ऐसे जो वर्ड होता है एटिकेट वाले, वो सब बोलना शुरू कर देता है। और बच्चों को चिढ़ाने भी लगता है, अरे क्या श्रीमान आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, ऐसे करके वो चिढ़ाने लगता है। उसके बाद होता है वर्ड वर्ड सेंटेंस, ठीक है ना, वन वर्ड सेंटेंस जो है 12 से लेकर के 13 साल में बोलना शुरू कर देता है। क्या कहते हैं कि 12 से लेकर के 13 साल नहीं बल्कि 13 मंथ में, है ना, यानी कि मंथ में वो 12 से लेकर के 13 मंथ में बोलना शुरू कर देता है वन वर्ड, एक एक वर्ड, जैसे मां, जैसे पा, ऐसे इस तरीके से। उसके बाद कब तक चलता है, 18 से 19 मंथ तक ये चीज चलता है। फिर उसके बाद होता है आपका इनकंप्लीट सेंटेंस। इनकंप्लीट सेंटेंस का क्या मतलब है, जैसे कि बच्चे ने कोई घड़ी उठाई, जैसे कि बच्चे ने कोई चश्मा उठाया और चश्मा उठा करके वो पापा की तरफ भाग रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहा है वो, ठीक है ना, बच्चा बोल नहीं पा रहा, पापा की तरफ भाग रहा है, और उसके बाद एक वर्ड बोल सकता है वो, मे बी के पापा, ऐसे तो पापा समझ गए कि अरे चश्मा छूट गया ना मेरा। तो ये चीज जो होता है ना, यहां पर इनकंप्लीट सेंटेंस जो है 19 से लेकर के 3 साल तक चलता है। 19 मंथ से लेकर के 19 क्या कहते हैं कि मंथ से लेकर के आपका 3 साल तक ये चीज चलता है।
उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये क्या कहते हैं कंप्लीट सेंटेंस जो है पांच, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, कंप्लीट सेंटेंस जो है फाइव ईयर में बच्चा बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद जो लास्ट एज होती है बच्चे की वो होती है लैंग्वेज को लेकर के और स्पीच को लेकर के, वो होता है ग्रामेटिकल एंड प्रोनंसिएशन एरर्स। ठीक है, यहां पर आकर के पांच साल के बाद में अब जो बच्चा जो है चीजों को ग्रामेटिकली सोचना शुरू कर देता है कि अच्छा इस तरीके से पहले जो है क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस तरीके से ग्रामेटिकली बहुत एरर करते 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 वो अपने पेरेंट्स से अपने टीचर से सीखना शुरू कर देता है। और यहां पर क्या कहते हैं प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन जैसे कि बोलते हैं ना कि बच्चा जो है जेंडर की भी बहुत गलतियां करना शुरू करता है, मम्मी को कह देता है कि मम्मी आ रहा है, या फिर इस तरीके से जो चीजें होती है ना प्रोनंसिएशन, बच्चा जो है वो उसकी जो क्षमताएं है प्रोनंसिएशन की नहीं कर पाता है, तो सीखते 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 एज के हिसाब से मैच्योरिटी के हिसाब से वो चीजों को गेन कर लेता है और बहुत आसानी से वो फिर पांच साल छह साल के बाद में चीजों को बोलना और समझना शुरू कर देता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ये कुछ पॉइंट थे जो बहुत क्या कहते हैं कंपलसरी थे आपके लिए, ऐसी तरह से अगर आपको याद रहता है तो आपका जो आंसर होगा बहुत इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद एक चीज पढ़ते हैं, उसके बाद जो होता है आपको मैं हमेशा से ये चीज पढ़ाता हूं और बोलता भी हूं कि जितने भी साइकोलॉजिकल पोर्शन के जो क्वेश्चन होते हैं वो ये इसी पर होते हैं। जैसे कि आपका अधिगम होता है फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, मैं पढ़ाता हूं आपको फैक्टर्स को, ये भी बोलता हूं कि फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही चीजें पढ़ें। जैसे कि अधिगम होता है लर्निंग होता है, लर्निंग को कौन सी चीजें अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, ये चीजें करके आप इसी तरीके से आपको पढ़ना है। इसी तरीके से आप चाइल्डहुड में अगर आप देख लें, एडोलेसेंस एज में देख लें, तो इनके इनके फिजिकल को कौन क्या कहते हैं अफेक्ट करता है, उसी तरीके से यहां पर लैंग्वेज को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि प्रभावित करता है, उसको हम देखेंगे। पहला पॉइंट होता है आपका मैच्योर क्या कहते हैं कि मैच्योरेशन, यानी कि मैच्योरेशन को क्या बोलेंगे परिपक्वता। जब तक ये माना जाता है ना कि बच्चा अगर छोटा है तो जब तक उसकी जो एज कंप्लीट नहीं होगी बोलने वाली तब तक वो नहीं बोल पाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब तक उसके अंदर में मैच्योरेशन नहीं आएगा, मैच्योरेशन ही तो उसको क्या करता है कि अफेक्ट कर रहा है, उसकी मैच्योरिटी तो उसको अफेक्ट करेगा ना। तो पहला पॉइंट क्या होगा परिपक्वता। उसके बाद होता है आपका मेंटल एबिलिटी, यानी कि उसकी जो मानसिक योग्यता है, अगर बच्चे के अंदर में मानसिक योग्यता कौन सी वाली प्रतिभाशाली वाली है तो वो क्या करेगा, वो बहुत जल्दी बोलना सीख जाएगा। अगर बच्चा जो है मंदबुद्धि का है, यानी कि बहुत टॉर्चर रहता है अपने दिमाग से, तो बहुत लेट से बोलना सीखेगा। तो कहने का मतलब है कि आपका मेंटल एबिलिटी बहुत इफेक्ट करता है किस पे, आपके लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे, स्पीच के डेवलपमेंट पे। ये समझ में आ गया। उसके बाद होता है आपका वोकैबुलरी। ऑब्वियसली आपका मेंटल डेवलपमेंट है तो वोकैबुलरी आप बहुत सारा याद कर सकते हो। आपने देखा होगा आपके दोस्तों में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से याद कर जाते हैं, कुछ वर्ड सुनेंगे फट से सीख जाएंगे। आप अपने बच्चों को देखना, जब बाहर से कुछ वर्ड सुन के आएंगे ना, जैसे आप उसके सामने कुछ बोलोगे ना, वर्ड आप बोलकर भूल चुके हो, उस बच्चे को याद है वो वर्ड। तो ये चीज होता है वोकैबुलरी, यानी कि शब्द भंडार। उसके बाद होता है आपका इमिटेशन एंड लर्निंग। इमिटेशन को बोलते हैं अनुकरण। अनुकरण मतलब क्या होता है कि किसी की नकल करना। बच्चा जो है अगर नकल नहीं करेगा, इफेक्ट करता है ना, अनुकरण इफेक्ट करता है किसमें, आपको सीखने में। तो अगर बच्चा अनुकरण करता है, यानी कि बच्चे को देख रहा है, इस तरीके से बोलता है, मम्मी को देख रहा है, पापा को देख रहा है, पड़ोस के लोगों को देख रहा है, टीचर को देख रहा है, ऐसे बोलता है, तो ये क्या करता है कि बच्चा जो है नकल करना शुरू कर देता है, इमिटेट करना शुरू कर देता है, और इमिटेट के साथ साथ में वो लर्निंग भी करना शुरू कर देता है, और ये चीजें प्रभावित करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट को। उसके बाद होता है आपका वर्ड मीनिंग एसोसिएशन, यानी कि शब्द अर्थ सहचार्य, है ना, वर्ड मीनिंग एसोसिएशन। यानी कि जब तक बच्चा जो है अगर वर्ड को समझ रहा है और मीनिंग को भी समझ करके क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, मिला करके समझ रहा है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है, अर्थपूर्ण तरीके से समझ रहा है, तो ये भी पोर्शन क्या करता है डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। उसके बाद होता है आपका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति, यह माना जाता है कि जिन बच्चों का सोशलाइजेशन बहुत अच्छा होता है वो अपने लैंग्वेज को बहुत जल्दी से बहुत इजी तरीके से डेवलप कर चुका होता है। यह माना जाता है कि इकोनॉमिक, जिन बच्चों का जो है इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी होती है वो बच्चे भी बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। ऑब्वियसली आर्थिक व्यवस्था उन्हीं की अच्छी होती है जो एजुकेटेड होते हैं। अब एजुकेटेड जो लोग हैं वो उनको क्या कहते हैं कि सीखने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो लोग एजुकेटेड है, एजुकेटेड वर्ड क्या कहते हैं बोलेंगे, और आर्थिक लेवल से भी वो फ्री है, कहीं ना कहीं उसको दिमाग में टॉर्चर नहीं है किसी बात का। तो आर्थिक लेवल का जो कंडीशन होता है बच्चों के साथ में, जो आर्थिक तरीके से अच्छे होते हैं, तो वो बहुत जल्दी से बोलना सीख जाते हैं। उसके बाद होता है आपका मोटिवेशन। ऑब्वियसली बच्चे को एक लैंग्वेज सीखना एक मोटिवेशन पोर्शन होता है। अगर बच्चा जो क्या कहते हैं कि खिलौना लेने के लिए रो रहा है ना, रो रहा है, तो और अगर सपोज दैट कि बच्चा जब भी रोता है तब आप उसको पकड़ा देते हो, जब रोता है तब नहीं, आप उसको क्या करो ना, आप उसको कोशिश करने दो, आप उसको बोलने की कोशिश। सपोज दैट कि कोई चीज मांग रहा है बच्चा आपसे और फट से आपने इशारा करता है, वो पहले इशारे से मांगता है, तो आप क्या करो ना, आप इशारे से मना करो, नहीं आ रहा समझ में हमको, फिर वो बोलने की कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब आप मोटिवेट करोगे तभी जाकर के क्या करेगा, लैंग्वेज
लैंग्वेज को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। उसके बाद होता है आपका सेक्सुअल डिफरेंसेस। सेक्सुअल डिफरेंसेस का मतलब ये होता है, ऑब्वियसली ये माना जाता है कि लड़कियां जो है, गर्ल्स जो है वो जल्दी बोलती हैं और ज्यादा वोकैबुलरी वो जल्दी से गेन कर लेती है, और यही वजह है कि लड़कियों की जो क्या कहते हैं कि परिपक्वता होता है वो बहुत तेजी से, मैच्योरिटी जो होती है बहुत तेजी से उसके अंदर आती है। यही वजह है कि वो वर्ड भी और क्या कहते हैं कि सेंटेंस भी और वोकैबुलरी भी बहुत ज्यादा लड़कों के मुकाबले में बहुत ज्यादा बोल सकती है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि लड़कियां बहुत मतलब बोलने में किसी को सबको हरा देगी। उसके बाद होता है आपका डेफनेस। डेफनेस का मतलब क्या होता है, डेफनेस का मतलब होता है कि बहरापन होना। ठीक है, यानी कि अगर आप बहरे हो तो ऑब्वियसली आपको लैंग्वेज सीखने में भी दिक्कत आए, क्योंकि आप लैंग्वेज सुन ही नहीं रहे हो तो आप सीखोगे कैसे। तो ये था आपका लैंग्वेज का पूरा पोर्शन किस तरह से प्रभावित करता है। अब आपके सिलेबस में एक पोर्शन होगा जो कि क्या कहते हैं कि आपने लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें दिया है तो मैं इसमें भी समझा देता हूं। ठीक है ना, क्या है वो है आपका बाइलिंगुअल है, और उसके बाद है आपका मल्टीलिंगुअल। बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल के बारे में पूछा हुआ है आपके सिलेबस में, तो मैं उसको समझा देता हूं। बाइलिंगुअल का मतलब होता है जो इंसान दो भाषा बोल सकता है। ये चीज आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है ना वो क्या है, बहुभाषाई देश है। यहां पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस है, तो ऑब्वियसली यहां पर जो है इस चीज की जरूरत भी बहुत पड़ी है। कुछ जो क्या कहते हैं स्टेट क्या कहते हैं कि अपना जो है ऑटोनॉमी बॉडी चलाता है, जैसे कि आप चाइना हो गया तो एक ही लैंग्वेज अप्लाई करता है, जापान एक ही लैंग्वेज अप्लाई करता है, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो यहां मल्टी लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं कि अगर आप मल्टी लैंग्वेजेस बोलने की जो है उनको क्या परमिशन नहीं देंगे तो उनका डेवलप भी नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि इंडिया में हमेशा जरूरत पड़ी है कि बाइलिंगुअल, यानी कि आप एक इंग्लिश बोलो आप एक हिंदी बोलो, ये चीज होना बहुत जरूरी है, या तो मातृभाषा बोलो या फिर आप ये कह लो कि क्षेत्रीय भाषा। तो ये भाषाओं के बिहार पर बाइलिंगुअल को ये कहा जाता है कि जिनको दो भाषा बोलने के लिए आता है। और ये चीज सरकार ने भी 1956 में इसकी अनुमति दे दी थी कि हाँ दो भाषा बोला जा सकता है। उसके बाद में लैंग्वेज फॉर्मूला आता है, त्रि भाषा सूत्र आता है। ये कब से 1956 से 67 1968 तक है ना, 1956 से 1967 और 1968 तक ये चीज चलता है, और उसके बाद में भी पूरी नहीं होती है जल्दी, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म की जरूरत पड़ती है, बहुभाषा सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो आज की डेट में ये देखा जाता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि डेवलप किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। लोग जो है इंग्लिश के साथ साथ में फ्रेंच भी सीखते हैं, पुर्तगीज भी सीखते हैं, हिंदी तो जानते ही हैं, है ना, उसके अलावा भी जाने की बहुत सारे लैंग्वेजेस की जिस तरह से हमें कंपलसरी हो रही है हम उसको सीख रहे हैं, और उसकी जो है संविधान भी इसको इस एक तरीके से क्या कहते हैं कि फ्लेक्सिबल दे दिया है, बोल सकते हो क्योंकि यहां ये हमारा भारत बहुभाषिकता देश है। तो ये क्या आपने, आई होप कि आपने समझा होगा लैंग्वेज और स्पीच किस तरीके से डेवलप होता है। इसमें यही चीज़ है, इससे बाहर और कुछ नहीं है। एक पॉइंट और रहता है जो आपका चाइल्डहुड एंड लेसन में बचा हुआ है, उसके बाद जो है हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। किस तरीके से वीडियो लगा, किस तरह की क्वेरीज है, किसी तरह का अगर आपकी ओपिनियन है मेरे वीडियोस के अकॉर्डिंग, तो आप जरूर सुझाव रखिएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।